वर्तमान समय में बाजार में एक से बढ़कर एक कंपनी मॉडल के फोन देखने को मिलते हैं, जो लोगों को काफी आकर्षित करती है। हालांकि आईफोन लोगों के लिए एक ऐसा विकल्प है जो बेहतरीन फीचर के साथ आपकी अच्छी खासी जेब भी ढीली कर देता है। लेकिन जब आईफोन को भी टक्कर देने के लिए एलन मस्क ने अपनी टेस्ला कंपनी के साथ टेस्ला फोन को जोड़ने का फैसला लिया है और उन्होंने आईफोन को टक्कर देने के लिए एक बेहतरीन फीचर का फोन बनाया है। एलन मस्क की टेस्ला कंपनी अब एक सबसे एडवांस टेस्ला फोन लॉन्च करने वाली है। ऐसा माना जाता है कि ये फोन ऐसा होगा जो फोन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देते हैं कि एलन मस्क का ये फोन कैसा होगा और इसकी कीमत कितनी होगी, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देते हैं। एलन मस्क द्वारा लॉन्च किए जाने वाली टेस्ला कंपनी का फोन कैसा होगा? ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा फोन होगा जिसे आज तक किसी ने ना देखा होगा और ना ही किसी ने इस तरह का फोन बनाया होगा। टेस्ला के इस फोन को पाई फोन नाम दिया गया है। टेस्ला पाई फोन एलन मस्क का सबसे रीसेंट प्रोजेक्ट और इस फोन में कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी होंगे। ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि एलन मस्क को यूं ही फ्यूचर मैन नहीं कहा जाता है। मस्क ने इलेक्ट्रिक गाड़ी से लेकर स्पेस क्राफ्ट तक बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं। एलन मस्क ने आज तक जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं वे सभी प्रोडक्ट्स हाई एंड टेक्नोलॉजी से लैस हैं। एलन मस्क और उनकी टीम इस टेस्ला फ्यूचर फोन के लिए एक लंबे समय से काम कर रही है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस अभी हाल ही में रिलीज हुए हैं। कई जगह ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि ये फोन साल 2022 में लॉन्च कर दिया जाएगा और इसकी कीमत लगभग $800 से $1200 होगी। एलन मस्क का ये फोन एक सैटेलाइट फोन होगा जिसका सीधा कनेक्शन स्टारलिंक से होगा। स्टारलिंक एलन मस्क की एक बहुत ही दूरगामी सोच है। इसके माध्यम से वो स्पेस में एक चेन ऑफ सैटेलाइट्स बना रहे हैं जो एक साथ इंटरकनेक्टेड रहेंगी और पूरी पृथ्वी को घेर कर रखेंगी। और इसी कारण से आप किसी जंगल में भी क्यों ना हो या कहीं पर भी हो, आपको इंटरनेट की स्पीड बराबर मिलती रहेगी। इसीलिए इसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। और ये जो पाई फोन लॉन्च कर रहे हैं वो स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के साथ में डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी कीमत $800 से $1200 बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक एप्पल आईफोन का लेटेस्ट फोन $1399 का है। मतलब कि एलन मस्क जो टेस्ला फोन लॉन्च कर रहे हैं वो एप्पल के आईफोन के रेट के रेंज में लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन टेस्ला फोन के फीचर्स एप्पल की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस होंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस फोन में कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जिसकी मदद से आप अपनी इलेक्ट्रिक टेस्ला कार को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस फोन के माइक्रोप्रोसेसर को एलन मस्क ने खुद बनाया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आज के समय एंड्रॉइड अपना सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 845 का इस्तेमाल करता है और एप्पल A15 बायोनिक चिप का इस्तेमाल करता है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि टेस्ला के इस फोन के प्रोसेसर के सामने एंड्रॉइड और एप्पल के प्रोसेसर कुछ भी नहीं है। अब आप ही सोचिए कि अगर आप इस टेस्ला फोन से अपनी इलेक्ट्रिक टेस्ला कार को कंट्रोल कर लेंगे तो इसमें कितने बेहतरीन फीचर्स का यूज किया जा रहा है। टेस्ला फोन के फीचर्स इन दोनों एंड्रॉइड और एप्पल माइक्रोप्रोसेसर से कहीं ज्यादा फास्ट और एडवांस होंगे। इसके अलावा टेस्ला के इस फोन के माइक्रोप्रोसेसर में न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी भी इनबिल्ट की जाएगी। न्यूरालिंक को एलन मस्क के द्वारा डेवलप किया गया है, जो शारीरिक रूप से विकृत लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। फोन में न्यूरालिंक होने की वजह से इस फोन को कोई अपंग व्यक्ति भी सिर्फ टेक्स्ट और वॉइस मैसेज के द्वारा कंट्रोल कर सकेगा। अगर कोई व्यक्ति पैरालाइज हो जाता है तो सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी की मदद से वो इस फोन को कंट्रोल कर सकेगा। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्रेन मशीन इंटरफेस को मजबूत करेगी, मतलब कि ब्रेन को मशीन के साथ कनेक्ट करने के तरीके को मजबूत करेगी। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी का एक सफल परीक्षण सुअरों के ऊपर खुली मीडिया में एलन मस्क कर चुके हैं। उन्होंने दिमाग में लगे एक चिप के द्वारा सुअर से वो काम करवाया जो वो चाहते थे। ये न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पाया और इसी न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेस्ला में पाई फोन में होने वाला है। आने वाले समय में आप इसके फीचर्स के बारे में और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। टेस्ला के इस फोन में 6.9 इंच का अल्फा अल्ट्रा डिस्प्ले दिया जाएगा जो पूरे एक रेजोल्यूशन पर काम करेगा। मतलब कि इस फोन में आप बिना किसी बफरिंग किए अल्ट्रा हाई डेफिनेशन मूवीज आसानी से देख सकेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फोन का कैमरा तो बहुत ही बेहतर होने वाला है।
इस फोन में 188 मेगापिक्सल का कैमलेटिक शो, 8 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा भी होगा। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा और एक 5 मेगापिक्सल का वाइड अंदर लेंस भी दिया जाएगा। वहीं इसमें 200 गुना ज्यादा जूम करने की फैसिलिटी भी होगी। सेल्फी के दीवानों के लिए इसके फ्रंट कैमरा में 48 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया जाएगा। फोन की बॉडी को ऐसा बनाया जाएगा जिससे इसका कलर जब चाहे जैसे चाहे चेंज कर सकेंगे। आज के समय इसकी ली गई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही है। लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल आईफोन 12 की तरह दिखाई देगा, लेकिन मस्क का कहना है कि ये फोन बाकी के सभी फोन से बिल्कुल अलग होगा और इसका सबसे खास फीचर स्टारलिंक कनेक्टिविटी होगी। स्टारलिंक और गूगल के कोलैबोरेशन के बाद इस फोन का यूजर एक्सपीरियंस कल्पना से परे होगा। स्टारलिंक सैटेलाइट को गूगल के डेटा सेंटर से कनेक्ट किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि इसके लिए ना ही किसी तरह के टावर लगाए जाएंगे और ना ही टावर से निकलने वाले रेडिएशन से पशु पक्षियों और खुद इंसान को कोई हानि पहुंचेगी। इस फोन की मदद से आप अपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार के स्टेयरिंग को बिना छुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस फोन में आप क्रिप्टो माइनिंग भी कर पाएंगे। भाई आप जरा ये सोचकर देखिए कि अगर आपको फोन करना शुरू कर दें, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। एलन मस्क ने अपने इंटरव्यू में एक बार कहा था कि काश उनके पास कोई ऐसा फोन होता जो क्रिप्टो माइनिंग कर पाता। टेस्ला के इस फोन का स्टोरेज भी काफी अच्छा होगा। इसमें आपको 2 टेराबाइट का इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। गूगल के साथ कोलैबोरेशन के बाद आपको अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिलेगी। आप भी जानते हैं कि ऐसा कोई भी फोन अभी तक पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। आपको इस पाई फोन को बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये फोन खुद अपने आप को सोलर एनर्जी से चार्ज कर लेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस टेस्ला के पाई फोन को लॉन्च करने से पहले एलन मस्क इस फोन की पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और कस्टमर सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर इस फोन में किसी पार्ट में कोई खराबी आ जाती है तो उसे आसानी से रिप्लेस किया जा सके और हर शहर में इसका सर्विस सेंटर बनाया जाएगा। अभी तक इस फोन को लॉन्च करने के बारे में कोई सही बात पता नहीं चली है। वैसे दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी टेस्ला कंपनी के नए मॉडल फीचर फोन को खरीदने के लिए